साहू समाज के नेता और साहू समाज के भावी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर यूपी गुप्ता ने कहा कि हमारे समाज में एकजुटता नहीं है। सबसे पहले हमें एकजुट करना होगा और हम चाहते हैं कि हमारा समाज गरीब गुरबा से लेकर उच्च कोटि के लोग जो भी हमारे समाज में आते हैं उनके बेटा या बेटी बाहर पढ़ने ना जाए। इसकी व्यवस्था हमारे समाज की ओर से की जाए ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि जो अभी फिलहाल हमारे समाज में 1000 एंट्री फीस है उसे कम से कम किया जाए। साहू सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर यूपी गुप्ता ने जमकर अपने विपक्षियों पर निशाना साधा। मौका था होली मिलन समारोह का, जिसमें राजद के विधायक रणविजय साहू भी शामिल थे। उनके ही सामने डॉक्टर यूपी गुप्ता बरस उठे और इशारों इशारों में उन पर निशाना चलाते हुए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। होली का जो माहौल है देखकर क्या कहेंगे इस पर? मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता, नेशनल इंस्टीट्यूट गुलजारबाग और स्वामी विवेकानंद गुलजारबाग के अलावे जमुई का चेयरमैन भी हूँ। मैं इस वर्ष भावी अध्यक्ष के उम्मीदवार भी तेलिक साहू से हैं। ये होली बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था पहले भी आज भी। ये सच है कि हमारे ये जातियां जो है काफ़ी कमजोर है, दबे कुचले भी हैं और इसको अति पिछड़ा में जो लाया गया है निश्चित रूप से इसका लाभ मिला है, लेकिन संगठन हमारी मजबूत नहीं रहने की वजह से काफ़ी जगह इन लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। आए दिन हम लोग जिला में दौरा कर रहे हैं, इसकी अंजाम ये देखा जा रहा है कि शासन में इतनी परेशानियां हैं, लोगों को इतना परेशानी है कि दिन दहाड़े कोई सुनने वाला नहीं है। समाज भी एक नहीं है, समाज ये सच है, ये सच है और इसी की पीड़ा उठाए हम लोग। समाज को एक क्लास लाए, अपनी हक की बात करें, अपनी हकदारी की बात करें और ईमानदारी की बात करें। और जब तक एकजुट नहीं होगा समाज, मेरा कभी किसी का भला होने नहीं जा रहा है। ये करने के लिए क्या करना होगा आगे? ये के लिए अपना समाज, ये संगठन, ईमानदारी से लोग को आना होगा, अच्छे लोगों को लाना होगा, अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग आएंगे, निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा और रास्ता निकलेगा। रास्ता नहीं निकलेगा ऐसी बात नहीं है, देर है लेकिन आएंगे, लेकिन दुरुस्त आएंगे। इस बात के लिए होली प्रेम का है, रंग की होली है, उत्साह की होली है, यही सब तमाम बातों के साथ बस आप लोगों का होली का शुभकामनाएं। धन्यवाद।